हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई जज हिंदी में क्यों नहीं बात कर पाते और नहीं कर पाते। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं है। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो। और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहाँ का है और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो, ताकि केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ कुछ बोला, जज ने कुछ कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतने में पुलिस आके मुझे ले गई और मैं परेशान हूँ कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है और कहने को लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है। हमें भाषा का सम्मान करना है, दूसरी भाषाओं का अपमान नहीं करना है। हमें भाषा के लिए संघर्ष उस तरह से नहीं करना कि सबको काट देंगे, मार देंगे। हमें ये नहीं कहना कि अंग्रेजी खत्म करो, तेलुगु खत्म करो, तमिल खत्म करो, नहीं, सबके साथ रहना है। जैसे संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों के बराबर किंतु उनसे एक पायदान ऊपर होता है क्योंकि वो डिविजन करता है, ठीक वैसे भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं, तमिल भी राष्ट्रभाषा है भाई, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है, असमिया है, सब राष्ट्रभाषाएं। इन सब में सबसे ज्यादा हमारी भाषा बोली जाती है, तो सिंबॉलिकली हम थोड़े ज्यादा राष्ट्रभाषा है क्योंकि पूरा राष्ट्र हमें